हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ फुल घेर वाले प्लाजो पैंट की कटिंग। फुल घेर वाला जो अस्तर वाला प्लाजो पैंट होता है वो बताने वाली हूँ पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरी बारीकी के साथ। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस पे अपलोड होने वाली सारी वीडियोज काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। और जिनको भी सिलाई कोर्स में इंटरेस्ट है उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो घर पर बैठे सिलाई का काम बहुत ईजिली सीख पाएँ। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको और भी अच्छे से समझाने की कोशिश कर पाऊंगी। और बहुत ही प्यारा लुक आया था, वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा, फाइनल लुक देखने के लिए बहुत प्यारे से बन गया था और बहुत अच्छा लग रहा था। आप भी मैं पूरा मतलब है मुझे कि ये वीडियो देखने के बाद आप ये वाला इस तरीके का प्लाजो पैंट जरूर ट्राई करोगे एक बार, और बहुत अच्छा लगेगा। लॉन्ग कुर्ती के साथ पहनो इसको, शॉर्ट्स के साथ टॉप के साथ पहनो, बहुत प्यारा लगने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फर्स्ट चैनल पर ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड और वीडियोज आपको मिलती हैं प्रीत तिवारी पे, तो वहाँ पे भी जरूर जाइएगा। तो चलिए ज़्यादा बात है, ये मैं खाटू श्याम गई थी तो इसकी पिक्स ली थी मैंने, ये मेरी दीदी है मतलब मेरी बड़ी सिस्टर। तो आप ब्लॉग्स और ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे फर्स्ट चैनल पर जरूर जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कट करेंगे शरारा पैंट, जिसकी लंबाई 34 इंच है, हिप राउंड जो है वो भी 34 इंच है, और कमर का जो साइज़ है वो भी 25 इंच है। तो अगर कमर का साइज 25 इंच है तो हम लोग रबड़ लगाते टाइम ध्यान रखेंगे कि हमको कमर का के लिए जो रबड़ कट करेंगे वो 4 या 5 इंच कम होनी चाहिए, 20 या 21 इंच पे रबड़ की लंबाई कट करनी है। तो ये है हमारा लाइनिंग फैब्रिक यानी कि अस्तर, और जो मेन फैब्रिक है वो है ये वाला। तो फुल घेर वाला हम लोग प्लाजो यहाँ पे कट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग पहले लाइनिंग कट करेंगे, उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग ही मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने डबल फोल्ड इसको कपड़े को किया हुआ है ऐसे, वो फुल घेर वाले प्लाजो पैंट के लिए। डबल फोल्ड करने के बाद से ये देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है, एक कोने से इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब हमारी जो लंबाई थी वो 34 इंच पे हमको रेडी करनी है, और कमर का जो साइज था वो 25 है। 25 का 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 6.5 इंच। तो ये हमारा 6.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा दिया है। ओके, अब इस कोने से इधर नापेंगे कितना है, 8 इंच पे हमारा आ रहा है, इस कोने से सारा ही 8-8 इंच पे इस तरीके से निशान लगाते जाएंगे, और इसको इस तरीके से मिला लेंगे। उसके बाद इसको दोबारा से नाप लेंगे, ये हमारा ज़्यादा नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत चलेगा क्योंकि घेर वाला है तो जितना लूज रहेगा उतना कंफर्टेबल रहेगा। अब यहाँ से हम लोग नापेंगे 34 इंच के लिए, तो पूरा 34 हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। ओके, अब इंची टेप को रखेंगे ऊपर एकदम कॉर्नर पे, और जितना हमारा यहाँ पे आ रहा है 42 इंच आ रहा है, 42 इंच पे ही पूरे प्लाजो के घेर का निशान लगेगा। तो ये हमारे यहाँ पे कपड़ा कम पड़ रहा है, यहाँ पे तो हम लोग ज्वाइंट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो कपड़ा कम पड़ रहा है इसके लिए हमको इस कपड़े को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले ओपन कर लेते हैं और इसको 8 से 10 इंच और इस तरीके से ले जाएंगे लाइनिंग को। दोबारा से जैसे जैसे हमने फोल्ड किया हुआ था वैसे वैसे यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। और ऊपर से नापेंगे जितना हमारा आ रहा था 10 इंच आ रहा है, तो पूरा 10-10 इंच पे ही गोलाई दे देंगे यहाँ पे, और पूरे निशान को मिला लेंगे। अब बारी आती है मेन लेंथ की यानी कि लंबाई की, जितनी लंबाई हमको रखनी है उसके लिए। तो हम लोग जहाँ पे कमर का हमारा साइज है उसके बाद से 34 इंच हमको रखना था,
35 रख सकते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करना है तो 35 हम लोग यहाँ पे रख ले रहे हैं। और अगर आप ऊपर रबड़ हमको अलग से लगानी होगी तो आप पूरा बराबर रख सकते हो, क्योंकि जब हम लोग रबड़ लगाएंगे तो 2 इंच ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। रबड़ के लिए अलग से कपड़ा कट करना है, वो कैसे कट करना है वो भी बता दूंगी। तो यहाँ पे हमको जितनी लंबाई चाहिए थी उतना हमने निशान लगा दिया है। अब इंची टेप को ऊपर करेंगे और हमारा जो है निशान 44.5 इंच पे आया है। तो इस तरीके से इंची टेप को आगे की तरफ खिसकाते जाएंगे और निशान को लगाएंगे। तो ये पूरा आ रहा है, अब इस सारे निशान को गोलाई में मिला लेंगे। ये तो हमारी लेंथ होगी। अब बारी आती है आसन की। तो आसन के निशान के लिए क्या करना है, जितना भी हमारा साइज था 34 साइज था, तो यानी कि 8.5 इंच आपका आसन आ रहा है। इसमें हम लोग 2 या 2.5 इंच प्लस कर लेंगे और इसको इस तरीके से निशान लगा देंगे। तो 8.5 इंच हमारा फिटिंग था, हम यहाँ पे 11 इंच आसन के लिए ले रहे हैं। ध्यान रखिएगा ये वाला आपका कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो कि बाद में टाइट पड़ने की वजह से आपका प्लाजो फट भी सकता है आपके पास। और इसको सिंपली गुलाई दे देंगे बाहर की तरफ से। बहुत इजी स्टेप है, बहुत आसानी से आप इसको कट कर सकते हो। अब इसको हम लोग कट कर लेंगे। जैसे जैसे इंसान लगाया था वैसे वैसे कपड़े को कट कर लेंगे। अब इसको पलटेंगे तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा कपड़ा कम पड़ रखा है। तो इसके लिए आपको इस तरीके से कपड़े में जॉइंट करना होगा। तो जॉइंट करने के लिए अगर आपके पास कपड़ा कम पड़ रहा है तो आप दूसरी जगह से ले लोगे, अगर इसमें से हो जा रहा है तो यही चल जाएगा। ये लाइनिंग है, थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाए तो चलेगा। तो पहले स्ट्रेट पार्ट को इस तरीके से मिलाएंगे। तो हमारा यहाँ पे कम पड़ रहा है तो यहाँ पे जो फैब्रिक है इसको हम लोग कट कर लेंगे बिल्कुल स्ट्रेट। और इसको यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से जैसे जैसे गुलाई थी वैसे कट कर लेंगे। इसको ऊपर की तरफ करोगे तो ये बराबर में आ जाएगा। और यहाँ पे जो कम पड़ रहा है यहाँ पे आप ज्वाइंट कर सकते हो। और चाहो तो लाइनिंग फैब्रिक जो है हमारी उसको थोड़ा सा हम लोग छोटा रखते हैं मेन फैब्रिक से, तो इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे। तो इतना हम लोग प्लाजो को छोटा रखेंगे मेन फैब्रिक से। ओके, और ये हमारा गुलाई भी अच्छे से आ गया। जब आप इसको स्टिच करोगे तो सबसे पहले आपको ये जो आपने छोटा पड़ा हुआ है इसको ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से। दोनों जो उल्टा साइड होगा वो एक साइड आना चाहिए। तो एक आप इसमें इस तरीके से ज्वाइंट करोगे और दूसरा वाला आपको जैसे नीचे वाले को आपने ऐसे ज्वाइंट किया है तो ये हमारा जो उल्टा पार्ट है वो ऊपर को आ गया है। अब इसको ज्वाइंट करोगे तो ये वाला हमारा नीचे को जाना चाहिए, ताकि जब ये पलटेगा तो दोनों साइड से हमारा सीधा वाला पार्ट ऊपर की तरफ आ जाए। ओके, अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग कट करेंगे मेन फैब्रिक को। स्टिचिंग करना भी बहुत इजी है, पूरा बता रही हूँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बंद कर दिया, लाल वाला बटन बीच वाला जो ऐसे बराबर था। मेन फैब्रिक को भी हमने इस तरीके से लिया, डबल फोल्डेड है, फिर इसको कॉर्नर से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ओके,
और इसके ऊपर हम लोग लाइनिंग को रखेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो ये जैसे हमने मेन से भी लाइनिंग की कटिंग की थी वैसे ही इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो इसमें एक अच्छी बात है कि हमको मेन फैब्रिक में कपड़ा जॉइंट नहीं करना पड़ रहा है, बस लाइन में ही जोड़ना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पे 2 इंच छोटा किया हुआ था मेन फैब्रिक से, तो इसको 2 इंच बड़ा। तो फ्रेंड्स ये देखिए पूरा प्लाजो बन के रेडी हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और बहुत ज़्यादा घेरे के साथ बहुत ही स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर आप इस तरीके का प्लाजो पैंट बनाते हो बनाना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ भी डाउट रहा हो, कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम और भी अच्छे से पूरी डिटेल में वीडियो लेके आ पाऊँ। और बहुत प्यारे से रबड़ भी लग गया था, बहुत आराम से आसानी से और बहुत ईजी है। दोनों का आसन ज्वाइंट किया, सिंपल जैसे पैंट की जॉइंटिंग करते हैं वैसे ही इसको भी किया है। बस घेर वाला है तो नीचे से जो आसन अस्तर है अस्तर को अलग फोल्ड करना है एंड घेर वाले कपड़े को अलग से फोल्ड करके बनाया है। तो ये है फाइनल लुक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी सिलाई से रिलेटेड वीडियोज देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। आई होप एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज शेयर कीजिएगा गाइस। यहाँ से इस तरीके से कट करेंगे और इसमें मेन फैब्रिक को ज्वाइंट कर लेंगे।